ट्यूबवेल पर हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है, सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों ने वितरण हुई है और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, न किसी की जाति है, न किसी का मत है, न किसी का मजहब है, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। अभी मैं देख रहा था कुछ बेटियों को यहां मंच पर हम लोगों ने यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए, यानी हर तबके के लिए उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुरूप योजना लेकर के डबल इंजन की सरकार आई। यानी कहने के लिए विकास भी है और विरासत भी है। कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये लोग बना पाते? क्या कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो है वो भी चाहिए अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5,00,000 श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साईं जी को ही हमने प्रभारी मंत्री बनाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।